तो आप बताएं, आप बोल रहे थे कितने बहन भाई हैं आपके? हम तो 4 भाई हैं, 8 बहन हैं। वाओ। और माँ लाइक आपकी अम्मी अबू? मेरी अम्मी अबू तो नहीं है अभी इस दुनिया में। ओके, तो आप भी इतने अपने खानदान को बढ़ाना चाहेंगे? 8, 9, 10? यार मैं तो चाहूँगा कि मुझे तो इतना ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आउट एक है कि दो ही अच्छे हैं ना, है तो ना? हाँ। दो बच्चे, देखो जब हर बंदा दो बच्चे ही अच्छे, क्योंकि अभी मैंने जो है ना आपको पहले भी तो मैंने बताया, क्योंकि ये जो आयान का भी इस तरह बीमार हो गया है ना, तो इसका जो दर्द, हमने ये बात की थी ऑफ स्क्रीन, हम अब ऑन स्क्रीन करते हैं। इनके इतना प्यारा सा एक बेबी है, तो यस आप बताएं अपने बेबी के बारे में। जब आपको बेबी हुआ पूरी कॉम खुश थी, एंड बहुत ही अच्छी बात है, एंड इट वॉज वेरी नाइस, एंड इट वॉज वेरी, ही लुक्स ऑल्सो वेरी क्यूट, तो हाउ इज़ ही डूइंग? बस ये ना कि वो उनको बीमारी हो गई, थोड़ी इस तरह हार्ट का इशू है ना, तो ये कब पता चला ये हार्ट की बीमारी? ये अभी ही पता चला, कि कभी जब मैं आया शो के लिए, तो इसी बीच वाइफ ने चेकअप कराया, तो उस वक्त वो भी काफ़ी अपसेट थी, तो उसने तो कहा था कि आप बिल्कुल डायरेक्ट ही आ जाओ ना, फ्लाइट लेके आ जाओ। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की, क्योंकि मैंने कहा कि काम तो अगर मैं करूँगा भी तो आप ही लोगों के लिए करूँगा ना, तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला, क्योंकि अब मैं भी अगर इस तरह हालात के साथ मुकाबला ना करूँ और इस तरह हार जाऊँगा ना, तो फिर मेरे ख्याल में ये नहीं रहेगा ना, तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखा। और यानी वो दर्द अब मुझे, यानी मैंने फील किया ना, वो जो माँ बाप का दर्द होता है ना बच्चों का, हमें बिल्कुल वो एहसास नहीं था ना, बिल्कुल वो हवा वाली लाइफ जो है ना वो गुजार रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला। और इसी बीच जो है ना मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने आप में उसको मैंने देखा ना, कि ये बच्चों का कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है ना। फिर ओके, जब आपका बेबी हुआ क्या फीलिंग थी? फीलिंग तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना उस वक्त की। रोना आया था? रोना तो बिल्कुल सच में रोना आया था, हाँ रोया तो था मैं बहुत ज़्यादा, खुशी से रोया था ना। हाँ, क्योंकि मैंने जब इस तरह बेबी को उठाया और अपने गले से लगाया ना, तो ये जो आम बच्ची जब होती थी ना, मैं अगर सच बताऊँ ना, तो मुझे यानी बच्ची जो है ना इतनी पसंद नहीं थी ना आम लाइफ की अगर बात करूँ, क्योंकि मेरी बहन की जब आती थी, उनकी बच्चे जब आती थी ना, तो वो कहते थे कि ना सर कि अंदर ही क्या है कि जब भी इस तरह बच्ची उनकी तरफ जाते हैं रोते हैं, ना इनको पसंद करते ना इनको ये गोद में लेते हैं, और हमारे बच्चे से ये प्यार नहीं करता। मैं बिल्कुल बहुत तंग था बच्चों से, लेकिन अब जब अपना हो गया और फिर मैंने अपना बच्चा जब उठाया, इस तरह मैंने सीने से लगाया ना, तो उसमें मुझे एहसास हुआ, क्योंकि वो मैंने कहा कि ये तो मैंने बहुत ज्यादती की है ना, कि बहनों के बच्चों के साथ जो है ना मैंने इस तरह। पर इट्स ओके, एहसास तो हुआ ना, इंसान के अंदर एहसास होना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ, जब आप वायरल होने लगे और हर जगह यू नो आपके वीडियोस, हर बंदा आपके बारे में बात कर रहा है, कुछ अच्छी बातें तो कुछ बुरी बातें, तो कुछ खानदान में लोग नहीं एक चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यू गेट इट? तो ये बताओ, खानदान से क्या बैकलैश मिली थी कि तुम क्या कर रहे हो, नाक कटा रहे हो हमें? ये तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि अब मैं बताऊँ तो मैंने जब शुरू किया तो खानदान से थे कि आज मैं सेपरेट रहता हूँ ना, तो ये जो मेन रीज़न है ये सोशल मीडिया है ना, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना मैं फैमिली से जो है ना मेरा रिश्ता जो है ना वो कट गया ना, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो 67 में फिर एक बहन इस तरह, फिर दूसरा एक एक का जो है ना वो रिश्ते में साथ इस तरह सोशल मीडिया की वजह से दूर दूर होता जा रहा था ना। फिर तो आपको क्या लगा दैट ये सोशल मीडिया इतना ज़रूरी है, खानदान जा रहा है, सोशल मीडिया पर सिर्फ ध्यान था? मेरा ध्यान भी था, लेकिन मेरा ज़रूरत भी था ना एक तरफ ना, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि मैं चलो आप ही लोगों को मैं अपना लेता हूँ ना, लेकिन मेरी ज़रूरत अगर आप लोग पूरा करें तो ठीक है, मुझे आप लोग चाहिए, मैं सोशल मीडिया मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक तरफ मुझे नीड थी और एक तरफ वो था ना, तो आपको पता है नीड के बगैर भी तो इंसान नहीं रह सकता ना, क्योंकि नीड भी ज़रूरत होती है लाइफ गुजारने के लिए। वो एक कहावत है कि ज़िंदगी चलती गाड़ी का नाम है ना, तो वो तो किस साल में भी नहीं रुकती ना। ज़्यादातर आपने ये वीडियोज़ या ये रुख इसलिए लिया क्योंकि ज़रूरत थी? हाँ, एग्जैक्टली ज़रूरत। और माशरे से भी तंग आ गए थे क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी, एग्जैक्टली लोग सीरियस भी नहीं ले रहे थे। हाँ, तो यू वेंट कम्प्लीटली लाइक दिस। तो अभी फैमिली क्या बोलती है? अभी फैमिली जो है ना माशाल्लाह अब काफ़ी अच्छी हो गई है फैमिली वालों ने, क्योंकि आप कमा रहे हो।
हाँ मैं कमा भी रहा हूँ। ये भी होता है ना कि बंदा कमाने लगता है तो नहीं, असल में ये भी था कि अभी जो है ना अवेयरनेस इतना ज़्यादा है क्योंकि हमने जब स्टार्ट लिया था हमने तो बहुत पहले लिया था ना। हाँ। मैं ये बताऊँगी के पी के से मैं पहला इन्फ्लुएंसर था ना कि मैंने जब शुरू किया था ये काम। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।